प्रिय शिक्षार्थियों, आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं उपेंद्रनाथ तिवारी, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आपका स्वागत करता हूं। मैं शिक्षा शास्त्र विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हूं। प्रिय शिक्षार्थियों, शिक्षा स्नातक विषय के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के सिद्धांत के चौथे खंड वैश्वीकरण और शिक्षा की 16वीं इकाई भावात्मक एकता के लिए शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। भावात्मक एकता के लिए शिक्षा। भावात्मक एकता का अर्थ, मनुष्य में भावात्मक एकता की प्रधानता सर्वाधिक होती है। इसे भावना प्रधान प्राणी भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जाति, भाषा, साहित्य, धर्म आदि किसी भी समानता के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच भावात्मक एकता है। किसी जाति, समुदाय और राष्ट्र के निवासियों के बीच प्रायः भावात्मक एकता होती है। इसके अभाव में किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। दो दृष्टिकोणों के आधार पर भी भावात्मक एकता के अर्थ को हम समझ सकते हैं, जिसमें प्रथम नकारात्मक अर्थ और द्वितीय सकारात्मक अर्थ। भावात्मक एकता का नकारात्मक अर्थ विघटनकारी तत्वों से घृणा करना तथा राष्ट्रों को फूट से बचाना है, तथा सकारात्मक अर्थ में राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करना तथा राष्ट्र से प्रेम करना है। इसमें राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के विचारों एवं भावनाओं के एकता पर बल दिया जाता है। भावात्मक एकता के संबंध में कोई निश्चित विचार या धारणा नहीं है। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत आधार पर विकसित एकता से लेकर जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित एकता से लिया जाता है। भावात्मक एकता की परिभाषा। कुछ विद्वानों द्वारा अपनी अपनी परिभाषाओं के माध्यम से भावात्मक एकता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। शैक्षिक परिदृश्य में भावात्मक एकता की चर्चा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के संदर्भ में की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। उनके शब्दों में, भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय अपने मनों और हृदयों को एक करने और पृथकता की भावना को समाप्त करने से है। बाय इमोशनल इंटीग्रेशन आई मीन इंडियन द इंटीग्रेशन ऑफ आवर माइंड एंड गियर्स द सेपरेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। पंडित नेहरू, कोई राष्ट्र छोटा हो या बड़ा, उसमें विभिन्न जात एवं धर्मों के लोग रहते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, आचार विचार, मान्यता, विश्वास और मूल्यों में भिन्नता रहती है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी यदि किसी राष्ट्र के नागरिक उस राष्ट्र के नाम पर एकमत होते हैं तो यह कहा जा सकता है कि उस राष्ट्र के लोगों में भावात्मक एकता है। इस संदर्भ में केजी सैयदेन साहब के विचार उल्लेखनीय है। उनके शब्दों में, भावात्मक एकता का अर्थ विभिन्नताओं की समाप्ति नहीं है। इसका अर्थ तो यह है कि व्यक्तियों को मतभेद का अधिकार है और अपनी इस भिन्नता को वे बिना किसी भय के तर्क के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता और आधारभूत निष्ठाओं को दृष्टि में रखते हुए ही। इमोशनल इंटीग्रेशन डज नॉट मीन ए लेवलिंग डाउन डिफरेंसेस, इट मीन्स दैट द पीपल हैव द राइट टू डिफर
and express their differences reasonably and fearlessly within the larger framework of national unity and basic loyalties. KG Syedin. राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता. भावात्मक एकता का एक विशिष्ट रूप है राष्ट्रीय एकता. स्थान, जाति, भाषा, संस्कृति और धर्म आदि किसी भी आधार पर भावात्मक एकता हो सकती है. दो व्यक्तियों से लेकर विश्व की समस्त मानव जाति तक इसका क्षेत्र हो सकता है, किंतु यही भावात्मक एकता किसी समान हित के आधार पर किसी देश के सभी व्यक्तियों के मध्य होती है तथा वे राष्ट्रहित के सामने अपने वैयक्तिक एवं सामूहिक हितों का त्याग करते हैं, तो इसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं. इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का आधार एवं क्षेत्र दोनों निश्चित होते हैं और इसमें राष्ट्रहित के वैयक्तिक और सामूहिक हितों का त्यागना आवश्यक होता है. परंतु जब भावात्मक एकता की बात शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो हमारा तात्पर्य राष्ट्रीय एकता से ही होता है. भावात्मक एकता की आवश्यकता. किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए पहली मूलभूत आवश्यकता यह है कि वहाँ के नागरिकों में भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता हो. हमारे देश में विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति और धर्मों के लोग रहते हैं. इसी आधार पर वे विशेष वर्गों में भी विभाजित हैं. सभी अपने अपने हितों की बात सोचते हैं, जिस कारण देश हित पीछे छूट जाता है. ऐसी स्थिति में राष्ट्र खतरे में पड़ सकता है. इससे बचने के लिए राष्ट्र में भावात्मक एकता की विशेष आवश्यकता है. राष्ट्र के अस्तित्व के लिए प्रत्येक राष्ट्र, चाहे वह अपना हो या कोई अन्य, सभी अपने अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं. इसके लिए सर्वप्रथम भावात्मक एकता की आवश्यकता है. राष्ट्र के नाम पर सभी नागरिक, हम सभी एक हैं की आवश्यकता तथा राष्ट्रहित में अपने वैयक्तिक एवं सामूहिक हितों के त्याग की भावना एवं शक्ति की भी आवश्यकता है. राष्ट्र के शासन तंत्र में आस्था उत्पन्न करने के लिए राष्ट्र के शासन तंत्र में वहाँ के नागरिकों की आस्था होना राष्ट्र का दूसरा मूल तत्व होता है. हम अपने देश की स्थिति को देखें तो यहाँ की अधिकांश जनता लोकतंत्र का अर्थ नहीं समझती. कुछ लोग तो इसके स्वरूप को छिन्न भिन्न करने में लगे रहते हैं. लोकतंत्र में आस्था राष्ट्र के सभी नागरिकों में तभी संभव है जब राष्ट्र में भावात्मक एकता हो. ऐसी दशा में आज भी देश में भावात्मक एकता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है. विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन के लिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व इस जुड़ाव को तोड़ने में लगे रहते हैं. विशेषकर वोट की राजनीति करने वाले लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण क्षेत्र, भाषा, जाति तथा धर्म आदि के नाम पर विकास की बात करते हैं, जिससे जनता विभाजित हो जाती है और वे अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं. आश्चर्य तो तब और ज़्यादा होता है कि जब कोई मंत्री या नेता अपने को हिंदुओं का रक्षक, तो कोई अपने को मुसलमानों का रक्षक, तो कोई जाति विशेष का रक्षक, तो कोई किसी का रक्षक बताने के प्रयास में लगा रहता है. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना निहित स्वार्थ त्याग कर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के संपूर्ण विकास की बात सोचते हैं. अतः
आज आवश्यकता इस बात की है कि विशेषकर राष्ट्र के कर्णधारों को राष्ट्रहित से जोड़ा जाए, उन्हें राष्ट्रहित के लिए वैयक्तिक, जातीय, क्षेत्रीय अथवा अन्य हितों का त्याग करने के लिए तैयार किया जाए तथा उनमें भावात्मक एकता का विकास किया जाए, क्षेत्रीय या प्रांतीय संकीर्णता समाप्त करने के लिए। हमारे देश में अनेक प्रांत हैं, भौगोलिक सीमाओं एवं भाषाओं के आधार पर इन प्रांतों का निर्माण हुआ। इन प्रांतों में यह एक आधारभूत भिन्नता है, दूसरे कुछ स्वार्थी तत्व क्षेत्रीय संकीर्णता पैदा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि कुछ प्रांतों के बीच सीमा विवाद चल रहा है, तो कहीं नदियों के जल बंटवारे का विवाद है, तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर विवाद रहता है। संकीर्ण मानसिकता के कारण ही उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा झारखंड आदि राज्यों का जन्म हो गया। इसको रोकने के लिए देश के संपूर्ण निवासियों में राष्ट्रीय भावना भरकर भावात्मक एकता बनाए रखना आवश्यक है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति के लिए हमारे देश में क्षेत्र, जाति, संस्कृति तथा धर्म आदि के नाम पर संघर्ष होता ही है। सरकारी कर्मचारियों, कंपनियों के कर्मचारियों तथा मिल मजदूरों आदि के द्वारा तोड़फोड़ तथा हिंसक संघर्ष किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय क्षति पहुंचती है। अपने विचार शांतिपूर्ण तरीके से रख सके, इसके लिए भी भावनात्मक एकता की बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भावात्मक एकता की आवश्यकता होती है। आतंकी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध पाकिस्तान तथा विस्तारवादी मानसिकता वाले चीन से हमारी सीमाएं लगी हैं। इन दोनों देशों के कुछ अंधभक्त या हितैषी मानसिकता वाले लोग भी हमारे यहाँ रहते हैं। ऐसे लोगों को भी राष्ट्रहित के लिए तैयार करना होगा, अन्यथा ये खतरा बने रहेंगे। इस दृष्टि से भावात्मक एकता की बहुत आवश्यकता है। राष्ट्र के विकास एवं जीवन स्तर को उठाने के लिए किसी भी राष्ट्र में, चाहे वह जिस प्रकार का विकास हो, बिना जन सहयोग के नहीं हो सकता। राष्ट्र को नीतियों और रीतियों को लोकहित में बनाना तभी संभव हो सकता है जब सरकार में बैठे लोग राष्ट्रहित में तथा लोकहित में पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ सोचे। उनमें राष्ट्रीय एकता या भावात्मक एकता की भावना भरी होनी चाहिए। नीतियों के अनुपालन और क्रियान्वयन में जन सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए उनमें भावात्मक एकता का भाव भरना चाहिए, तभी उनके जीवन स्तर को बेहतर तरीके से उठाया जा सकता है। इसके लिए भावात्मक एकता का होना बहुत आवश्यक है। तीसरा, भावात्मक एकता का स्तर। भावात्मक एकता के चार स्तर होते हैं। प्रथम स्तर, इस स्तर पर लोग एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लोगों में अकेले में रहने की अपेक्षा समूह, समुदाय या राष्ट्र में रहने की आदत पड़ती है। द्वितीय स्तर, इस स्तर पर लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को समझना प्रारंभ करते हैं। पहले स्तर में एक दूसरे को समझने की उत्सुकता नहीं होती, केवल सामूहिक जीवन जीने की आदत पड़ती है। दूसरे स्तर पर एक दूसरे को समझने का प्रयास किया जाता है। तृतीय स्तर, इस स्तर पर केवल एक दूसरे को समझना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि समझने का संबंध केवल बुद्धि से होता है और इसमें रागात्मक संबंध का अभाव होता है।
लेकिन यह स्तर रागात्मकता का है। इस स्तर पर हम दूसरे की प्रथाओं में रुचि लेने लगते हैं। इस स्तर पर दूसरे की प्रथाओं से घृणा समाप्त हो जाती है तथा लोग शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। चतुर्थ स्तर, इस स्तर पर लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे की परंपराओं, रीतियों एवं मान्यताओं को अपना समझने लगते हैं, उन सभी से प्रभावित होने लगते हैं तथा व्यक्ति भावात्मक रूप से एक दूसरे से प्रेम करने लगता है। इस प्रकार इन चारों चरणों से होते हुए भावात्मक एकता का विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तथा प्रेम करने लगते हैं। चौथा, अंतर सांस्कृतिक भावना। अंतर सांस्कृतिक भावना से तात्पर्य उस भावना से है जिसमें भावात्मक रूप से विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में जुड़ते हुए भावात्मक एकता का विकास करते हैं। संस्कृति किसी भी देश के व्यक्तियों के अनेक पीढ़ियों के साधना का परिणाम होती है। संस्कृति के कारण ही मनुष्य अन्य जीवों की श्रेणी से ऊपर होता है। भारतीय संस्कृति तो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है और सर्वाधिक समृद्ध भी। संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ की संस्कृति है। यह प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों में संतुलन बनाए रखने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति राष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों को जीना सिखाती है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। सभी के भाषा, रीति रिवाज, साहित्य, धर्म और दर्शन भी एक दूसरे से अलग है। उनके सामाजिक कानूनों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। खान पान में भी भिन्नता है। केरल के टैपियोका, बंगाल में मछली और चावल, तो पंजाब में गेहूं मुख्य भोजन है। इसी प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहनावे में भी अंतर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में धोती जिस प्रकार पहनी जाती है, उत्तर प्रदेश में उस प्रकार से लुंगी पहनी जाती है। गांवों और शहरों के बीच पहनावे में अंतर देखने को मिलता है। गांव के लोग शहरों के पहनावे से घृणा करते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप में भाषा में भी भिन्नता देखने को मिलती है। पंजाब में पंजाबी, तो महाराष्ट्र में मराठी तथा कहीं तमिल तो कहीं बंगाली आदि भाषाएं बोली जाती हैं। देश की राजभाषा के रूप में हिंदी तथा सहराजभाषा के रूप में अंग्रेजी है, जो लगभग संपूर्ण देश में बोली जाती है। हमारे यहाँ धर्म एवं संप्रदाय की दृष्टि से भी भिन्नता दिखाई देती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा पारसी आदि धर्मों के अनुयायी या मतावलंबी यहाँ रहते हैं। यहाँ के लोगों के मूल्यों, आदर्शों एवं मान्यताओं में भी अंतर देखने को मिलता है। सभी धर्मों को अपनी मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुसार वेशभूषा, रहन सहन, खान पान तथा भाषा आदि प्रिय होता है। हमें उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। अतः बालक में सभी प्रकार की संस्कृतियाँ एवं उपसंस्कृतियों के बारे में समझ विकसित की जाए, जिससे वह घृणा के बजाय सराहना कर सके। और बालक तो अन्य देशों की संस्कृतियों को जानने के लिए उत्सुक भी रहता है।
इससे अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास होता है तथा इससे राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि के विकास में भी सहायता मिलती है। पांचवा, भावात्मक एकता और शैक्षिक कार्यक्रम। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से विघटनकारी तत्वों के मनोवृत्तियों में सकारात्मक बदलाव लाकर राष्ट्र की भावात्मक एकता को बल प्रदान कर और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। भावात्मक एकता के विकास के लिए भावात्मक एकता समिति ने शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। यह अनुभव किया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना ही नहीं, वरन छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना है। इसको चाहिए कि छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाए। एकता, राष्ट्रीयता, बलिदान तथा सहिष्णुता की भावना का विकास करें, जिससे कि संकीर्ण दलगत स्वार्थों को विशाल देश हित में समाहित किया जा सके। भावात्मक एकता समिति द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम। शिक्षा विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने का मुख्य साधन है। 1961 में डॉ. संपूर्णानंद की अध्यक्षता में गठित भावात्मक एकता समिति के प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा भावात्मक एकता एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। इस संबंध में समिति द्वारा दिए गए संकेत निम्नलिखित हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए। पाठ्यक्रमों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। सामाजिक अध्ययन को शिक्षा के सभी स्तरों पर बल प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय त्योहारों को पूर्ण तैयारी के साथ प्रत्येक विद्यालय में मनाया जाए। प्रत्येक स्कूल के छात्रों के लिए समवस्त्र यूनिफॉर्म निश्चित किया जाए। विद्यालय के छात्रों को राष्ट्रीय गीत गाने की शिक्षा दी जाए। समय समय पर विद्यालय में देश की एकता पर भाषण कराया जाए। हिंदी के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने के लिए अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी के पुस्तकों को रोमन लिपि में प्रकाशित किया जाए। छात्रों द्वारा अपने देशवासियों के प्रति अपनी सेवाओं को अर्पित करने के लिए वर्ष में दो बार प्रतिज्ञा की जाए। सभी राज्यों के छात्र एक दूसरे के राज्य में भ्रमण के लिए जाए। छात्रों से वर्ष में चार बार प्रत्येक विद्यालय द्वारा खुले मैदानों में नाटकों का अभिनय कराया जाए। विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों का आदान प्रदान किया जाए। युवक कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय युवक परिषद ऑल इंडिया यूथ काउंसिल की स्थापना की जाए। संपूर्ण देश में प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का एक ही न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। राष्ट्रीय झंडे को आदर एवं सम्मान करना सभी छात्रों को सिखाया जाए। सभी वर्गों, धर्मों एवं जातियों के लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्रदान किए जाए। समाचार पत्रों, रेडियो, चलचित्रों आदि का प्रयोग करके प्रौढ़ों के विचारों एवं व्यवहारों को स्वस्थ दिशाओं में मोड़ा जाए। धर्म, साहित्य, विज्ञान, दर्शन,
तथा समाज आदि विभिन्न साधनों का प्रयोग मानव जीवन को प्रेरित करने के लिए किया जाए। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास अच्छी एवं विस्तृत शिक्षा प्रणाली द्वारा किया जाए। कुछ अन्य प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम। भावात्मक एकता समिति ने जब से अपने सुझाव दिए हैं तब से आज तक राष्ट्रीय एकता के विकास से शिक्षा की भूमिका पर NCERT दिल्ली तथा विश्वविद्यालयों ने अनेक गोष्ठियां की हैं, चर्चाएं भी बहुत हुई हैं, परंतु अभी तक राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा में सुधार अपेक्षित है। इस अध्ययन और अपने अनुभव के आधार पर भारत में भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक प्रतीत होता है। शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हों। राष्ट्रीय स्तर पर सैद्धांतिक रूप में शिक्षा के अनेक उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है, फिर भी हमारी शिक्षा परीक्षा प्रधान है। उसमें बालकों के स्वास्थ्य, उनका आचरण तथा उनकी भावनाएं उपेक्षित रह जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हों और उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास भी हो। शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार। पाठ्यचर्या में समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्यों को अनिवार्य किया जाए। इसमें राष्ट्रीय त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों को मनाना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। देश के विभिन्न भागों की कहानियों एवं लोकगीतों को प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में स्थान देना चाहिए। इसमें देश के भिन्न भिन्न भागों का भौगोलिक ज्ञान, वहाँ की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत करने वाली सामग्री होनी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व की पाठ्य सहचारी क्रियाओं को माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाए। इस स्तर पर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास संबंधी विषयों को भी रखा जाना चाहिए। भारत की विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की व्याख्या विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाए। शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षण विधियों का परोक्ष रूप से संबंध शिक्षक एवं छात्र के व्यवहार के साथ होता है, अतः उन शिक्षण विधियों का चुनाव करना चाहिए जिसमें शिक्षक और छात्र समूह में एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें, सभी छात्रों की समान रूप से शिक्षक सहायता करें, जिससे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने का समान अवसर सभी बच्चों को मिले। कक्षा की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से छात्रों में सामूहिकता की भावना का विकास होगा। पाठ्य पुस्तकों में सुधार। पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक संशोधन कर राष्ट्रीय एकता में बाधक विषय सामग्री को निकाल देना चाहिए और राष्ट्रीय एकता में सहायक सामग्री का समावेश होना चाहिए। पुस्तकों में देश की विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों से संबंधित ऐसे विषय सामग्री का चयन करना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में सहायक हो। समान व्यवहार। शिक्षा के क्षेत्र में धर्म, संप्रदाय, जात या अन्य किसी प्रकार के वर्ग भेद को समाप्त करना चाहिए। शिक्षक आदि के चयन
तथा बच्चों के प्रवेश आदि योग्यता के आधार पर होना चाहिए। मेधावी बच्चों को ही छात्रवृत्तियाँ दी जाए, इससे बच्चों में ज़्यादा अध्ययन करने की क्षमता का विकास होगा। विद्यार्थियों के गणवेश में राष्ट्रीय महत्व का चिन्ह विशेष लगवाना अनिवार्य करना चाहिए, जो राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक हो। दैनिक सामूहिक सभा का कार्यक्रम, दैनिक सामूहिक सभा का कार्यक्रम विद्यालय में 15 मिनट का होना चाहिए। शुरू में ईश प्रार्थना तथा अंत में राष्ट्रगान होना चाहिए। इन दोनों के मध्य 10 मिनट के समय में कभी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर व्याख्यान हो, कभी नैतिक एवं धार्मिक उपदेश दिया जाए, कभी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की शिक्षा दी जाए, कभी सामूहिक स्वास्थ्य निरीक्षण हो और कभी राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना के आवश्यकता एवं महत्व को बल प्रदान किया जाए। सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों को मनाना। हमारे विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्व तो मनाया ही जाता है, फिर भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाना व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। यह राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए बहुत आवश्यक है। धार्मिक पर्वों के लिए जो अवकाश होता है उस दिन भी धार्मिक पर्व को विद्यालय में मनाया जाए। इसमें सभी बच्चे सम्मिलित हों तो बालकों में धर्म के प्रति उदारता की भावना जागृत होगी। राष्ट्रीय स्तर की भाषाओं का सम्मान एवं विकास। इस समय हमारे देश में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इन सब भाषाओं के बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इन भाषाओं के अपने अपने समृद्ध साहित्य हैं। इन साहित्यों में भारत की संस्कृति सुरक्षित है। हमें इन सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, परंतु सर्वाधिक बोली जाने वाली तथा सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यही एक भाषा है जिसमें सभी को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता है। पूर्ण भावात्मक एकता के लिए हिंदी का राष्ट्रभाषा होना नितांत आवश्यक है। नेताओं के जन्मदिन। विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जन्मदिन मनाना चाहिए। राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। ऐसे नेता किसी भी प्रांत के क्यों न हो, उनका जन्मदिन देश के सभी विद्यालयों में मनाया जाना चाहिए। इससे छात्रों में राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता का विकास होगा। अंतरप्रांतीय खेलकूद। छात्रों के लिए अंतरप्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होनी चाहिए। इससे एक दूसरे से संपर्क करने का एवं परिचय करने का अवसर मिलता है और छात्रों में भावात्मक समझ एवं एकता की भावना विकसित होती है। अंतरप्रांतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। अंतरप्रांतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। इससे एक दूसरे की संस्कृति, लोकगीत एवं लोकनृत्य आदि को जानने का अवसर प्राप्त होता है। छात्रों द्वारा अपनी अपनी संस्कृतियों की झांकी प्रस्तुत करने से मनोरंजन भी होगा और एक दूसरे की झांकी को देखने का अवसर भी प्राप्त होगा। 26 जनवरी को देश के सभी प्रांतों की झांकियां टेलीविजन प्रसारण में देखने का अवसर सभी को प्राप्त होता है।
अंतर प्रांतीय प्रदर्शनियाँ, विद्यालयों में अंतर प्रांतीय प्रदर्शनियाँ लगाई जानी चाहिए। इससे खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर लगाने से विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को एक साथ देखने का अवसर प्राप्त होगा। देश की सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित झांकी प्रदर्शनियों में प्रस्तुत करनी चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न का प्रयोग, रेडियो और टेलीविज़न पर जो भी शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित हो, वह राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता के विकास में सहायक होनी चाहिए। हम इस बात की सराहना करते हैं कि हमारे देश के रेडियो और टेलीविज़न पर विभिन्न भाषाओं, धर्मों, सभ्यता एवं संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित भी होते हैं। घर पर ही संपूर्ण देश की झांकी देखी जा सकती है। इन कार्यक्रमों को विद्यालय के कार्यक्रम से जोड़ने या तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। राष्ट्र की विभिन्नताओं का आदर, देश की विभिन्न जातियों, धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति छात्रों में प्रेम एवं आदर उत्पन्न करना चाहिए। उनमें धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उदारता का विकास करना चाहिए। इससे एकता को बल मिलता है। छात्रों को देश की बुराइयों से सजग रहने एवं उससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान होना चाहिए। भिन्न भिन्न जाति, धर्म एवं संप्रदायों के शिक्षकों के एक दूसरे के विद्यालयों में जाने से अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास होगा, जो राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक होगा। राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था, शिक्षा का स्तर संपूर्ण देश में समान होना चाहिए। एक प्रांत के छात्रों को दूसरे प्रांतों में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। विश्वविद्यालयी स्तर पर यह सुविधा आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इससे अंतर सांस्कृतिक भावना के विकास के साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता के विकास में भी सहायता मिलेगी। देश प्रेम, देश के विभिन्न भागों विशेषकर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का शिक्षक एवं छात्रों को भ्रमण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे उनमें देश की विशालता तथा राष्ट्र के भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। इससे एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त होगा एवं एकता की भावना का भी विकास होगा। सारांश, किसी भी देश के एकीकरण का आधार भावात्मक एकता होती है। राष्ट्रीय एकीकरण तभी संभव होता है जब देश की जनता आपस में एक संवेगात्मक सूत्र में बंधा हुआ हो। अन्यथा की स्थिति में एकीकरण संभव नहीं हो सकता। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता तथा अस्तित्व के लिए भावात्मक एकता के विकास की आवश्यकता है। भावात्मक एकता का विकास चार चरणों स्तरों से होते हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्थात भावात्मकता इन्हीं स्तरों से अपने चरम विकास तक पहुंच जाती है। भावात्मक एकता के विकास के लिए अंतर सांस्कृतिक भावना सर्वाधिक प्रमुख अनिवार्य तत्व है। अंतर सांस्कृतिक भावना के विकास द्वारा भावात्मक रूप से विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में
जुड़ जाते हैं और उनके बीच भावात्मक एकता का विकास हो जाता है। शिक्षा भावात्मक एकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा भावात्मक एकता समिति के संदर्भ में शिक्षा के महत्व की व्याख्या की गई है। भावात्मक एकता के विकास में उचित पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं और योग्य शिक्षकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।